आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं हूँ ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। पूर्व में बने मौसमी सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। एक प्रपेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के मध्य भागों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और मराठवाड़ा होते हुए आंतरिक कर्नाटक एक निम्न दबाव की रेखा गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। केरल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, सिक्किम और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, विदर्भ छत्तीसगढ़ और तटीय कर्नाटक के एक या दो हिस्सों में हल्की बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है और गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्व हिस्सों और केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गोवा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के एक या दो हिस्सों में हीट वेव की स्थिति हो सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.